हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदवी क्रिएटिव गार्डन। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो गुलदावदी के प्लांट पर है कि उसकी केयर ठंडियों में कैसे करें और कब इसे लगाने का ठीक टाइम होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको अपना गुलदावदी का प्लांट दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इस समय कितने अच्छे से मेरे यहाँ गुलदावदी की फ्लावरिंग आ रही है और ये नीचे देखिए बेबी प्लांट्स भी आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये गुलदावदी का प्लांट जो है इस समय मेरे यहाँ बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। इसमें देखिए मधुमक्खियाँ भी कितनी सारी आ रही हैं। और ये प्लांट मेरे पास फ्रेंड्स काफ़ी पुराना है, काफ़ी साल का है, कम से कम मेरे पास सात आठ साल से है। और मैं हर साल इसको कटिंग से ग्रो करती हूँ और नए प्लांट्स तैयार कर लेती हूँ। और ये वाइट वाला जो आप देख रहे हैं गुलदावदी, ये मैंने इसी साल लगाया है, नर्सरी से मैं लाई थी, बहुत छोटा प्लांट, और उसे मैंने ग्रो किया था और अब फ्लावरिंग ये बहुत अच्छे से दे रहा है। और ये सारे पिंक जो आप देख रहे हैं, ये सारे मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं इसी साल। तो फ्रेंड्स, कटिंग से ग्रो करने का जो महीना होता है वो अगस्त टाइम होता है, जो कि मैंने अगस्त में ग्रो किया। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अगस्त में इसकी कटिंग काट के लगाई थी और उस समय बारिश भी हल्की होती है। या तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं या फिर प्लांट्स के नीचे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं बेबी प्लांट है। तो आप बेबी प्लांट भी इसे से भी निकाल कर अलग पॉट में लगा कर ग्रो कर सकते हैं। तो लगाने से पहले आपको इसका सॉइल तैयार करना है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद और गार्डन सॉइल, 10% बालू और साथ ही नीम की खली रहती है। नीम की खली की बारिश के टाइम पे कहीं फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए तो उस टाइम पे भी डालना है। और जब आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो करने लगे और फ्लावर्स और बड्स आने लगे, थोड़े थोड़े बड्स आने लगे, तो आपको एक बार नीम की खली और डालनी है। तो ये सारे काम अगर आपने अपनी गुलदावदी प्लांट पर किए तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। इसमें लीफ कम दिख रही है और फ्लावर ही फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो मेरे पास तीन कलर के हैं, एक पिंक, ये वाइट और एक येलो। तो वाइट और येलो तो मैंने 80 साल परचेज़ किया था, लेकिन ये पिंक मैंने पूरा कटिंग से ही लगाया और हर साल मैं इसको कटिंग से ही ग्रो करती हूँ। तो मैं एक ही प्लांट इसमें छोड़ती हूँ, बाकी सारा हटा देती हूँ जब इसका ठंडियों का सीज़न चला जाता है। उसके बाद मैं एक प्लांट से कई सारे प्लांट तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है। और हैवी फ्लावरिंग के लिए आपको बस ये फॉलो टिप्स करने हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। नीम की खली से आपके जो जड़ों में फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, तो ये नीम की खली आपको दो बार डालनी है, एक बार लगाते समय और एक बार जब फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली हो तो फिर आपको उसमें डालनी है। ये देखिए ये भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है इसमें भी, ये मैंने इसी बार परचेज़ किया था। बहुत ही प्यारा शेडेड में कलर आ रहा है, ये बाद में पूरा वाइट हो जाता है, देखिए कितना प्यारा कलर है। तो फ्रेंड्स, आपको एक जो बहुत ज़रूरी टिप्स है, यह बात का हमेशा ध्यान रखना है कि दिसंबर के महीने में ओस का टाइम होता है। तो जब भी आपको वाटरिंग करनी हो तो जब आप देख लें कि आपकी सॉइल काफ़ी बिल्कुल वाटरिंग की ज़रूरत है, सूखी हुई है, तभी इसमें वाटरिंग करें, वरना मत डालें। और वाटरिंग हमेशा पेड़ों के नीचे करिए, मतलब कि फूलों के ऊपर से पानी मत डालिए, वरना फूल जो हैं आपके काले पड़ जाएंगे, पत्तियाँ काली पड़ जाएंगी। तो इसमें इतनी फ्लावरिंग काफ़ी दिन से मेरे यहाँ स्टार्ट हो गई, कमली वन मंथ पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है और अब इस समय बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाकर आपके साथ इसकी टिप्स शेयर करने चाहिए। तो आपको भी अगर ये फ्लावरिंग लगानी है तो आप भी इस साल अगर लगाना चाहें तो आप नर्सरी से प्लांट लाकर लगा सकते हैं और नेक्स्ट ईयर ये प्लांट आपको, एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए येलो कलर की गुलदावदी है, यही मैंने नर्सरी से इसी साल 25 की काफ़ी छोटा प्लांट लाई थी मैं, और इस समय इसमें इतनी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो ये सारे अगर जो मेरे बताए गए टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको भी गुलदावदी में फूल ही फूल मिलेंगे, पत्तियाँ कम रहेंगी और पूरा प्लांट आपका फूलों से भरा रहेगा। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो
पसंद आया हो, मेरे टिप्स पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नए व्यूअर, जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे व्यूअर्स, बाय बाय।